بسم الله الرحمن الرحيم. तो हम लोगों ने अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपना करेक्शन ऑफ एरर्स का, ठीक है? तो करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि इसमें ये आपके लिए इंटायरली कोई नया टॉपिक नहीं है तो ये बात गलत नहीं होगी. आप लोगों ने थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो करेंगे, मोहसिन वो कर लेंगे, लेकिन वो इसके बाद, ठीक है? इसके बाद मुझे दो नई चीजें करानी है. एक खैर वो तो पार्टनरशिप के साथ है, तो मैं एक दफा एरर्स खत्म करा दूं ना, तो फिर मैं एक्सचेंज वाला भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो एक या दो सवाल मैं आपको करा दूंगी, ठीक है? तो हो सकता है आज ही क्योंकि क्लास देर से शुरू हुई है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं एरर्स को एटलीस्ट शुरू तो करा दूं, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, मैं आपको वो करा दूंगी, ठीक है? तो एरर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर होता क्या है, अब अगर आपको याद हो तो जब हमने बहुत शुरू में ट्रायल बैलेंस वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, राइट? आप ये कहते हो कि जी हमारा सारा काम ठीक हुआ है, हमने सारी डबल एंट्रीज बिल्कुल ठीक ठीक पास की है, तभी हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है, राइट? उस टाइम पे शायद मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर आपके पास डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं आता है, इसका मतलब है एरर होगा, मतलब वो तो लाजमन एरर का इंडिकेशन है. ये बात तो मैंने डेफिनेटली कही थी, ठीक है? फिर शायद मैंने आपको उस टाइम ये भी कहा था कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अगर आ जाए तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि आपने हर काम बिल्कुल ठीक ठीक किया. कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आता है. सही है? अजीब बात लग रही है ना? आपके पास कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डबल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट फिर भी सेम आती है एक दूसरे से. वो अभी हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स में हम देखते हैं. सही है? तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अगर तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ना आए तो वो तो पक्की पक्की इंडिकेशन है कि आपने कोई एरर किया, ठीक है? लेकिन अगर आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ भी जाता है तब भी एक चांस है एरर का. कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि बड़ी मुश्किलों से पकड़े जाते हैं, ठीक है? वो अभी हम देखते हैं कौन कौन से एरर्स होंगे. तो हम लोगों ने इस टॉपिक में करना क्या है, इस टॉपिक में हमें सिनेरियोस दिए हुए होंगे और हमें उसमें एरर्स दिए हुए होंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अगर आपको याद हो कंट्रोल अकाउंट्स में आपने ये काम किया हुआ है, थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे. अब यहाँ पे इस टॉपिक में जो हम एरर्स करेंगे वो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स, वो सिर्फ सेल्स या परचेजेस, वो सिर्फ क्रेडिटर्स या सप्लायर डेटर्स का नहीं होगा, वो फिर बाकी भी एरियाज में जितनी भी एरर्स हुए हैं वो उनको कवर करेगा, ठीक है? तो इट्स अ बिगर पिक्चर बट यू हैव एन आइडिया कि उसको किस तरह से ठीक करते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह से अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगी कि जब करेक्शन ऑफ एरर्स इस तरह का आ जाए, ये वाला सिस्टमेटिक एरर जो है वो ओके. अस्सलाम वालेकुम जवान, चले कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये है. मैंने आपको कहा था ना कि आप मीटिंग आईडी डाल के लॉग इन कर लो, चले सही है. तो हम इसमें सीखेंगे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका कि किससे हम लोग फिर अपने एरर्स के सवालों को जो है वो कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है जी? चले तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं. आवाज आ रही है मुझे, मेरी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ी से इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उनकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला एरर हम पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, ठीक है? सी ओ एम एम आई, जो भी आपकी इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से इसकी जो भी बच्चे हमने अभी शुरू किया जवाब, हमने एरर्स का भी स्टार्ट किया कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, ठीक है? अब
एरर ऑफ कमीशन की मैं इंशाल्लाह एरर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, वो मैं लिंक पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी एक दो दिनों में। मैंने प्रॉपर इसको अभी तक टाइप नहीं किया, अभी सिर्फ आप इसको समझ लें कि एरर ऑफ कमीशन होता क्या है। एरर ऑफ कमीशन वो होता है जिसमें आपको ये बात बताया कि आपके पास हर फी अकाउंट जो है ना वो किसी ना किसी एक हेड ऑफ अकाउंट से बिलोंग करता है ना। मैंने आपको पढ़ाया कि छह हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, पांच भी कर सकते हैं अगर कैपिटल और जॉइंट्स को मिला के इक्विटी कहें तो हमारे पास पांच हेड ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, राइट। सबको याद है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, जॉइंट एंड एक्सपेंसेस, राइट। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने डबल एंट्री पास करते हुए हेड ऑफ अकाउंट तो ठीक रखा, इसमें कोई गलती नहीं है या लेकिन उस हेड ऑफ अकाउंट, अब आपको पता है जैसे आप एसेट्स है, एसेट्स क्या है, हेड ऑफ अकाउंट है, एसेट्स के अंदर फिर हजारों किस्म के आइटम्स आते हैं, ठीक है। यू फॉलोइंग माय पॉइंट। एसेट में जैसे रिसीवेबल्स भी आपका एसेट है, मशीनरी भी आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है, इन्वेंट्री भी आपका एसेट है, तो हेड ऑफ अकाउंट इन सब चीजों का क्या है, एक ही है एसेट्स, लेकिन उसमें आइटम्स अलग अलग है। एरर ऑफ कमीशन ऐसा एरर होता है जिसमें आपने हेड ऑफ अकाउंट तो सही पिक किया था लेकिन उस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर जो आइटम था ना, जो टी अकाउंट था, वो आपने गलत हिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा एरर है, बिल्कुल है, क्या गलती है कि आपने टेलीफोन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया एज व्हाट, एज अ रेंट एक्सपेंस। रेंट भी आपका एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आपका टेलीफोन एक्सपेंस है। अब इसमें देखें करेक्ट एंट्रीज में क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्रीज में होनी चाहिए थी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 10,000 और हम अज्यूम करेंगे पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट 10,000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री हो क्या गई, उसने हेड ऑफ अकाउंट गलत नहीं पिक किया, वो अभी भी एक्सपेंस की किसी अकाउंट में उसने डबल एंट्री पास कर दी, बस एक्सपेंस का आइटम गलत था, होना चाहिए था टेलीफोन, उसने कर दिया रेंट। गेटिंग माई पॉइंट, तो ये वाला एरर बिल्कुल है, रेक्टिफिकेशन इसकी भी होगी, लेकिन इस एरर का नाम क्या है इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इज दैट क्लियर मोहसिन? बच्चे अभी पढ़ते हैं सारे एरर, हमने सारे एरर कंप्लीट तो नहीं किए ना, बहुत सारे एरर्स हैं, पढ़ते हैं अभी। एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है, अमाउंट बिल्कुल ठीक, हेड ऑफ अकाउंट बिल्कुल ठीक, लेकिन आपका टाइटल ऑफ अकाउंट यानी कि आइटम आपका गलत, सही है। उसे ना अभी हम कर रहे हैं ना, मैं क्लोज तो नहीं किया, बहुत सारे एरर्स होते हैं, सबका मैं नाम बताऊंगी, आप टेंशन ना लें। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, आप गलती कर देते हो किसमें, हेड ऑफ अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इसकी हमने एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ी, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कौन सी एग्जाम्पल आ सकती है, जरा सोच के बताएं। हमने किया हुआ है, हमने ये एरर ऑफ प्रिंसिपल किया हुआ है कि आपका हेड ऑफ अकाउंट वो कुछ और था, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया कुछ और, नहीं आ रहा दिमाग में। मैं अगर आपको ये कहूं हमने डेप्रिसिएशन में ऐसा सिनेरियो किया हुआ है कि रिपेयर एक्सपेंस था, बिल्कुल रिपेयर एक्सपेंस को गलती से कर दिया कैपिटलाइज। अब यहां पे क्या हो गया, था वो क्या, डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंस होना चाहिए था डेबिट फॉर एग्जाम्पल 15,000 से। इन दोनों एरर्स में अमाउंट सेम है, अमाउंट बिल्कुल ठीक है,
सिर्फ गति काम में आ रही है पर्टिकुलर्स में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये 15,000 से रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये कौन सा हेड ऑफ अकाउंट है? ये आपका एक्सपेंसेस का हेड ऑफ अकाउंट है, राइट। और आपने जो गलत एंट्री पास कर दी वो क्या पास कर दी? आपने मशीनरी अकाउंट को कर दिया डेबिट, वही 15,000 से, अमाउंट में कोई गलती नहीं, और बैंक को आपने कर दिया क्रेडिट 15,000 से, सही है। तो यहां पे आपने कौन सा हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व कर दिया? यहां पे मशीनरी इज एन एसेट, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आपकी हेड ऑफ अकाउंट ही गलत है, एक्चुअली सी बात है आइटम तो फिर गलत हो गई ना, आइटम भी तो गलत है, रिपेयर एक्सपेंस होना चाहिए था, मशीन भी हो गया, लेकिन ये ऐसे आइटम्स हैं जो कि डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट को बिलोंग करते हैं, तो ये वाला एरर कहलाएगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एरर है, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर में क्या होता है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये चीज क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹5,400 वर रिकॉर्डेड एज ₹4,500। अब यहां पे हमें क्या लग रहा है, हमें ये फीलिंग आ रही है कि जो अकाउंटेंट था हमारा वो इन डिजिट्स को कंफ्यूज कर गया है ना, उसको 5400 लिखना चाहिए था, उसने 4500 लिख दिया। देखिए डिजिट्स वही है, एक 5 है, एक 4 है, 2 00, 2 0 है, राइट। इसमें भी 4 भी है, 5 भी है, 2 0 है, लेकिन डिजिट्स एग्जैक्टली ओरिजिनल अमाउंट वाले ही है, लेकिन डिजिट्स की पोजिशनिंग की गलती कर दी आपने, डिजिट्स को आपने क्या कर दिया, उनकी पोजिशन को स्वैप कर दिया। तो ये कौन सा एरर कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन एरर। यहां तक बात कह रहे हैं, और उसके अंदर आपको किस तरह से पता चलेगा, आप फिगर्स को देखोगे, ठीक है, डिजिटल ओरिजिनल वाले। हाँ बिल्कुल, नेचुरली सी बात है, अगर मैं आपको ये लिखूंगी भाई ये 5400 को रिकॉर्ड कर दिया 10,000, तो इसमें तो एंटायरली डिजिट्स ही अलग है, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर नहीं होगा, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डबल एंट्री एरर में फॉल करेगा। तो इसमें तो कहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना 5 आ रहा है ना 4 आ रहा है, तो अकाउंटेंट क्या डिजिट से कंफ्यूज हुआ, क्या उसने डिजिट को आगे पीछे लिख दिया? नहीं, तो उसने तो एंटायरली नई फिगर लिख दी, दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन एरर, सही है। चले आगे आ जाए, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ओमिटेड का क्या मतलब? ओमिट कर जाना, यानी कि उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया आपने, कंप्लीटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना कोई क्रेडिट रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो इसमें जरूरी ये है कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ना आपने कोई डेबिट बुक किया हो ना आपने कोई क्रेडिट बुक किया, ठीक है, यानी कि एंटायरली उसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं की, उसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, सही है। आगे आ जाए, एरर ऑफ ओमिशन के बाद आता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप लोगों को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज याद है?
ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज याद है क्या होती थी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज 6 होती थी, परचेजेस दे बुक, परचेज रिटर्न्स दे बुक, सेल कैश बुक, सेल्स दे बुक, सेल्स रिटर्न्स दे बुक और जनरल जर्नल, राइट। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ट्रांजैक्शन थी उसको ओरिजिनली ही हमने गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना अकाउंटिंग ओरिजिनेट कहां से होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से। हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, फिर हम वहां से उसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टमेंट्स पास करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ट्रांसफर करते हैं एसोसिएशन में, एसोसिएशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है, कार बैलेंस पहले बनता है दोनों से। तो आपके पास अगर आपने गलत बुक उठा ली किसी भी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए, आपने बुक गलत उठाई, तो इसका मतलब है आगे से उसकी फर्दर जो अकाउंटिंग होगी वो भी गलत होगी, है ना। अब आप अकाउंटिंग करने के लिए बार बार इनवॉइसेस को तो नहीं देखेंगे, आप उठाएंगे बुक को, बुक में लिखा होगा परचेज रिटर्न है, आप उसकी परचेज रिटर्न के हिसाब से अकाउंटिंग कर देंगे, हो गया गलत, हालांकि वो परचेज रिटर्न नहीं था। अब यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि एक परचेज रिटर्न थी 50,000, अब यहां पे क्या गलती हुई कि आपने परचेज रिटर्न को पहले स्टेप पे गलत रिकॉर्ड कर दिया। इससे पहले हमने जितनी जितने एरर्स पड़े थे ना उसके अंदर हमारा प्रिजम्पशन ये है कि पहले स्टेप पे आपने इनको बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड किया था, यानी कि बुक्स इनके केस में बिल्कुल ठीक थी जब हमने बुक्स से पोस्टिंग, नहीं, उस्मान ये मैं आपको भी बता रही हूं, जो बाकी एरर्स हैं उसके अंदर हमारा अजम्पशन ये होता है कि बाकी एरर्स के केस में हमारी बुक्स बिल्कुल ठीक थी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कोई गलती नहीं है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कोई गलती नहीं है, उसके अंदर सिर्फ गलती क्या है कि जब हमने आगे जाके पोस्टिंग की ना तब हमने गलतियां कर दी, हमने रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था, यानी कि ये आपके कैश बुक में बिल्कुल ठीक तरीके से रिकॉर्डेड था, नहीं बच्चे मोहसिन एरर ऑफ प्रिंसिपल ये थोड़ी था, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो ये था कि आपने हेड ऑफ अकाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया। क्या मैंने उसमें ये बोला था कि गलत बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया? नहीं। तो इन सारी जगहों पे जो इससे पहले हमने सारे एरर्स पढ़े हैं उनमें हम ये कहेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बिल्कुल ठीक थी, यानी कि आपकी ओरिजिनल एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक हुई थी, सब्सिक्वेंट डबल एंट्रीज में सब्सिक्वेंट पोस्टिंग करते हुए आपने गलतियां कर दी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसकी तो हम ये कहते हैं कि जब हमने ओरिजिनल एंट्री ही गलत कर दी तो सब्सिक्वेंटली बाकी सारा काम भी बाय डिफॉल्ट गलत हो गया, है ना। अब देखिए इसका जरूरी नहीं है कि अगर आपने ठीक बुक में रिकॉर्ड किया है तो आगे जाके भी आप कोई गलती नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान जब गलती करने पर आता है तो वो उसको कुछ मतलब कोई गारंटी थोड़ी होती है ना, वो तो कभी कभार आपको खुद भी पता होगा, कभी कभार आप बोर्ड पे लिखी हुई चीज को गलत कॉपी कर लेते हो, राइट। बात बचे उस्मान, बाकी एरर्स डबल एंट्री करते हुए गलत हुई थी, बुक्स में पोस्ट करते हुए गलत, रिकॉर्ड करते हुए गलत ही हुई थी, आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का मतलब आप भूल रहे हो। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हम डबल एंट्री थोड़ी पास करते हैं, उसमें तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ चीजों को लिख रहे होते हैं, डबल एंट्री की बात तो बाद में आती है। तो हम यहाँ पे पहले चार एरर्स में हम ये कह रहे हैं कि बुक्स में कोई गलती नहीं है, बाद में जब हमने डबल एंट्रीज पास की ना तब हमने गलती कर दी, बुक्स बिल्कुल ठीक है। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ही गलत स्टार्ट हुई, कह रहे बात हम जी मोहसिन उस्मान जवाब कह रहे ठीक है। तो इसमें अगर आपने इस तरह से किया कि पहले स्टेप पे उस्मान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप बुक्स वाला कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हम कभी भी डबल एंट्रीज को पास करते ही नहीं है,
हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ लिख रहे होते हैं अपने पास। यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री से क्या मतलब है? डबल एंट्री नहीं है, ओरिजिनल एंट्री से मतलब है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। जब आप पहले स्टेप पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो उस स्टेप पे अगर आपने कुछ गलती कर दी, ओरिजिनल एंट्री करना, डबल एंट्री नहीं लिखा हुआ। ओरिजिनल एंट्री से मतलब ये कि बुक्स में एंटर करना उस ट्रांजैक्शन को। तो अगर आपने यहाँ पे लिख लिया परचेज रिटर्न फॉर एग्जाम्पल था 50,000 का एंड इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस दे बुक, तो आपने स्टेप वन से ही गलती कर दी। आपने परचेज रिटर्न को परचेजेस दे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट सब्सिक्वेंटली क्या ट्रीट होगा, उसकी डबल एंट्री क्या पास होगी? परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट। हालांकि डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए? डबल एंट्री पास होनी चाहिए पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। लेकिन इसकी वजह से अब इसमें फिगर में कोई गलती नहीं है, फिगर अभी भी 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000 है, ठीक है। ये आपकी सही डबल एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपने प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर डबल एंट्री रिकॉर्ड, सॉरी एंट्री रिकॉर्ड ही गलत तरीके से कर दी, तो आपने इसको कैसे ट्रीट कर दिया? आपने किया परचेजेस डेबिट 50,000 और पेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिट 50,000। हाँ जी, क्लियर बात। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की वजह से सब्सिक्वेंटली आपका ये एरर आया। तो क्योंकि आपने ओरिजिनल एंट्री गलत की थी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग गलत की थी, इस वजह से डबल एंट्रीज पे इफेक्ट आ गया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओरिजिनल एंट्री में गलती नहीं थी, जब हमने बाद में कुछ सब्सिक्वेंट डबल एंट्री की तब ही हमने गलती की, ठीक है। कंफ्यूज ना करें इसको, क्लियर बात मोहसिन। जी क्लियर है उस्मान, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एरर ऑफ डबल एंट्री। अब इधर इसमें तीन टाइप की चीजें हो सकती हैं। एरर ऑफ ओमिशन में मैंने आपको क्या बताया था? एरर ऑफ ओमिशन में ना डेबिट एंट्री पास हुई ना क्रेडिट, यानी कि दोनों इफेक्ट उसके नहीं रिकॉर्ड हुए। एरर ऑफ डबल एंट्री में अगर मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ डेबिट एंट्री पास हुई, क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ, है ना, एरर आ गया ना। आपका तो डेबिट भी कुछ होना चाहिए और कुछ उसी सेम अमाउंट से आपका क्रेडिट भी होना चाहिए। मैं आपको ये कहूं कि डबल एंट्री पास करते हुए एक टी अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन किसी दूसरे टी अकाउंट को मैं क्रेडिट करने से भूल गई, या इससे ऑपोजिट भी हो सकता है। ओनली क्रेडिट एंट्री इज रिकॉर्डेड, सही है कि मैंने जो आइटम क्रेडिट करना था मैंने सिर्फ उस आइटम को क्रेडिट किया, उसकी अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट मैंने कुछ नहीं किया, सही है। बल्कि इसमें चार पांच हो सकते हैं अगर हम डिस्क्रिप्शन पर आए तो। फिर इसके अंदर ये कर दिया, कर सकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपने क्या कर दिए? डेबिट ही कर दिए। हालांकि उनमें से एक आइटम को डेबिट करना था, एक आइटम को क्रेडिट करना था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि जी ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो आपने कहा डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कैश होना चाहिए। डेबिट कितने से? 1 लाख से। ओनर लाया पैसा तो कैपिटल क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए 1 लाख से। और मैं आपको ये क्वेश्चन में बता दूं कि गलती क्या हो गई कि कैश तो मैंने डेबिट किया ही किया 1 लाख से, साथ ही मैंने गलती से कैपिटल अकाउंट को भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कुछ नहीं हुआ।
गलती आपको सवाल में बताई जाएगी, सही है, वो गलती बताई जाएगी कि हमने गलती से क्या कर दिया, आपको टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो ये भी देखिए क्या है, डबल एंट्री पास कर तो दिया आपने लेकिन इनकम्प्लीट। आपने क्या कर दिया, आइटम्स भी वही दोनों है जो कि इन्वॉल्व होने चाहिए थे लेकिन आपने सारे आइटम्स को कर दिया डेबिट गलती से, ठीक है। इसी तरह हो सकता है हम कैश और कैपिटल दोनों को क्रेडिट कर देते, डेबिट कुछ ना होता। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर पास विद डिफरेंट अमाउंट्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये वाली एग्जांपल लेते हैं कि ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो आपने कहा इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, कैश डेबिट होना चाहिए था। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो 1 लाख है, ठीक है, और आपने कहा कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 1 लाख से। अब मैंने आपको ये कहा कि मैंने डबल एंट्री पास की है और उसमें कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, कैश को डेबिट ही होना चाहिए था, कैपिटल को क्रेडिट ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, कैश को तो मैंने 1 लाख से डेबिट किया, कैपिटल को मैंने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। तो क्या हुआ, मेरी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैच नहीं थी, सही है, यहां तक क्लियर है बात? मोहसिन, उस्मान, जुबार, तो ये आपकी कहलाएगी क्या, एरर ऑफ डबल एंट्री। अब जरा इसको एक और तरीके से देख लेते हैं, जितने हमने एरर देखे उसमें हम एक और चीज से देख लेते हैं। हमने मैंने शुरू में आपसे ये बात बोली कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस में अगर काम कुछ इस तरह से हुआ हुआ हो कि हमारी डेबिट फिगर और क्रेडिट फिगर मैच करी कि टोटल इनका मैच किया, तो हम ये कहेंगे कि जी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, मैच्ड है। अब मैंने आपको ये बात बोली थी कि कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जिनको करने के बावजूद ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आता है, जैसे अब इधर आ जाए एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में हमने क्या किया था, करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। गलत एंट्री क्या पास कर दी, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, डबल एंट्री तो आपने ठीक पास की है ना, डेबिट की फिगर और ये रुपीज की बात कर रही हूं मैं, हम लोग क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रुपीज की टर्म्स में कहते हैं ना, कि आपके पास जो रुपीज में फिगर है डेबिट का और क्रेडिट का वो इक्वल है, तो आपका मतलब है आपका कोई एरर ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपकी बात कह रही हूँ, देखिए ये आपने एरर किया तो है लेकिन ये ऐसा एरर किया है कि डेबिट और क्रेडिट आपकी फिगर मैच है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस तो इस सिनेरियो में भी टोटल उसका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ गलती किस चीज में है, गलती सिर्फ नेचर ऑफ आइटम में है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है उसकी क्वालिटेटिव जो पार्ट है ना, क्वालिटेटिव पोर्शन जो उसकी क्वालिटी को जो उसकी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है, आपने गलती की है उसके अंदर। तो जब आपकी गलती है क्वालिटी के अंदर, क्वालिटेटिव नेचर में गलती है, क्वांटिटेटिव में कोई फर्क नहीं है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है आपकी क्वांटिटेटिव आइटम्स को, तो इसका मतलब ये है कि ये एरर होने के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। तो ये वाला एरर आपको बड़ा मुश्किलों से मिलेगा, बहुत मुश्किलों से आप डिटेक्ट करोगे, अगर आपकी नजरों से कभी गुजरा तो ही आप पकड़ सकोगे, वरना नहीं। इन्वेस्टिगेट करोगे खास तौर पे तो ही आपको ये पता लग सकता है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया
डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही आया, आप बड़े खुश कि मेरा सारा काम बिल्कुल ठीक हुआ है, हालांकि बैक एंड पे आपने क्वालिटेटिव एरर कर दिया होगा। इज दैट क्लियर? मोहसिन उस्मान जवाब, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एरर ऑफ कमीशन है ये भी ट्रायल बैलेंस के थ्रू डिटेक्ट नहीं होता। फिर आ जाए नीचे, दूसरा एरर हमने क्या डिस्कस किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इसमें हमने ये बात की थी कि आपकी करेंट डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, और आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी, मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्या फिगर में कुछ डिफरेंस है? नहीं। गलत एंट्री में भी हमने काम ऐसे किया है कि डेबिट आइटम और क्रेडिट अमाउंट ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं। मेन आपका पॉइंट क्या है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपका मैच कर रहा है, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर भी देखें, यहां पर जो हमने गलती की है वो क्वालिटेटिव नेचर में की है, क्वांटिटेटिव नेचर हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एरर भी ऐसा है जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू डिटेक्ट नहीं होता, है ना। ये ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू क्रॉस का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं होता, सही है, क्लियर है ना यहां तक। अब इसका आप लोग मुझे खुद बताएं, ट्रांसपोजिशन एरर, अब इसमें डिपेंड करता है, चले इसका मैं आपको बता देती हूं, अगला मैं आप लोगों से पूछूंगी। ट्रांसपोजिशन एरर में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस किस तरह का एरर दिया हुआ है। हो सकता है वो ये बोले कि आपने डेबिट एंट्री तो कर दी 5400 से, क्रेडिट एंट्री आपने लिखते हुए 4500 लिख दिया, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अगर ठीक ना हो तो वो एक्चुअली कौन सा एरर होता है, एरर इन डबल एंट्री। तो वो बेसिकली फिर कॉम्बिनेशन होगा कि एरर ऑफ डबल एंट्री और ट्रांसपोजिशन दोनों उसमें हुआ है। एरर ऑफ डबल एंट्री किस तरह से हुआ, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने परचेजेस की थी क्रेडिट 5400 की, डबल एंट्री आपने पास वही की, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, परचेजेस को आपने, चले परचेजेस को आपने 4500 से कर दिया, पेएबल को ठीक अमाउंट से किया 5400 से, तो एक साइड पे तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोजिशन एरर है, लेकिन ये साथ साथ ही एरर ऑफ डबल एंट्री भी है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, सही है। अब डिपेंड करता है, अगर तो हम ये कहे कि ट्रांसपोजिशन एरर हुआ है दोनों दोनों एंट्रीज पास करते रहे, यानी कि परचेजेस को भी आपने 4500 से रिकॉर्ड कर दिया और पेबल को भी 4500 से रिकॉर्ड कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस इस मतलब ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि अभी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या गलत एंट्री पास करते हुए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं। अब यहाँ पर जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है ना, 4500 से डेबिट, 4500 से क्रेडिट, अब बेचारे ट्रायल बैलेंस को क्या पता कि मेरे अंदर जो फिगर लिखी हुई है 4500 की वही गलत है, वो 5400 होनी चाहिए, राइट। तो ट्रायल बैलेंस तो नहीं डिटेक्ट कर सकता इस तरह की चीजों को। इसमें इवन दो एरर है अमाउंट के अंदर, लेकिन वो ऐसा एरर उसने किया कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही है, डबल एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों अमाउंट्स के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये वाला एरर भी ट्रायल बैलेंस ने डिटेक्ट नहीं किया होगा। हाँ, अगर इसके अंदर हमने गलती ये की, हमने क्या गलती की कि हमने सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के अकाउंट को लिखा 5400 से करेक्ट अमाउंट से और पेबल को लिखा हमने 4500 से, अब आपका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट इन दिस एंट्री, और इसमें हम कहेंगे कि क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन हो गया ना बिटवीन ट्रांसपोजिशन एरर एंड एन एरर ऑफ डबल एंट्री, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया, सही है। आ
आगे आ जाए। अब इसका बताएं, एरर ऑफ ओमिशन। सवाल मेरा ये है, क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस को बनाते बना के हमें पता लग सकता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा या नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस का? और मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं आता तो आपको हिंट मिल जाती है कि कोई एरर हुआ है। तो क्या इस एरर की हिंट आपको मिल सकती है ट्रायल बैलेंस से? यस या नो? उस्मान, मोहसिन, क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? जल्दी से बताए। बिकॉज बोथ एस्पेक्ट्स आर ओमिटेड। क्योंकि इस एंट्री में ना कोई चीज डेबिट हुई ना कोई चीज क्रेडिट हुई, आपने कहा डेबिट स्टिल इक्वल टू क्रेडिट जीरो, है ना? इधर भी जीरो, उधर भी जीरो। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस सिनेरियो में भी इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, इस एरर की इंडिकेशन हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं मिल सकती। अब इधर आ जाए, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इसका बताएं, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है एरर की, इसको देखकर बताएं क्या ट्रायल बैलेंस इसमें डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को, कि आपने डे बुक ही गलत पिक कर दिया था ओरिजिनली। मोहसिन कैसे? मैंने आपको क्या है, आपने देखना है कि गलत एंट्री पास करते हुए क्या हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है। अगर तो आ रहा है इसका मतलब है ये ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही आ रहा होगा। फिर यहां पे भी क्या सिनेरियो है, यहां पे भी आपने क्वालिटेटिव एरर किया है, क्वांटिटेटिव एरर नहीं हुआ, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होता, सही है? अब आखिरी जल्दी से बताएं, एरर ऑफ डबल एंट्री। ये बताएं कि अगर कोई डबल एंट्री का एरर होगा जी, हर सिनेरियो में ये एरर आपका ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल एंट्री में एरर है। आप अगर सिर्फ डेबिट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि डेबिट में आपने लिखा 10, क्रेडिट में लिखा 0, डबल एंट्री पास करते हुए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता। इसी तरह अगर आपने सिर्फ क्रेडिट एंट्री पास की, डेबिट एंट्री पास नहीं की, तो आपके पास सिर्फ क्रेडिट में आ रही होगी फिगर, डेबिट में नहीं आ रही होगी, उससे रिलेटेड अगेन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा और आपको हिंट मिल जाएगी कि आपने कुछ एरर किया। इसी तरह अगर आपने सारे आइटम्स को कर दिया क्या डेबिट, गलती क्या की थी, सारे आइटम्स को डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अगेन मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा और आपका एरर ये डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने क्या कर दिया, कौन सा आइटम है आखिरी, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री का पास विद डिफरेंट अमाउंट। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव एरर नहीं है, इंटायरली क्या है क्वांटिटेटिव है। आपने 1 लाख से डेबिट किया, 10,000 से क्रेडिट किया, डबल एंट्री आपकी मैच नहीं, सही है? तो इस तरीके से आपके मुख्तलिफ एरर आ जाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई। एरर टू का आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा ना डिटेक्ट, उसमें क्वालिटेटिव एरर किया है आपने।
एरर नंबर टू जो है उसमें क्वालिटेटिव एरर किया है, आपकी डबल एंट्री उसी सेम अमाउंट से पास हुई है। करेक्ट अमाउंट हो ना हो, आपने बस ये चेक करना है कि डबल एंट्री क्या सेम अमाउंट से पास हो रही है। रिपीट कर रही हूं, जरूरी नहीं है कि अमाउंट करेक्ट हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी डबल एंट्री पास हो रही है क्या वो सेम अमाउंट से डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। आपने कहना दिस इज नॉट डिटेक्टेबल इन द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हुए दो गलतियां कर जाऊं, मैंने रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना था 15,000 से, मैंने मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट कर दिया और 10,000 से मैंने डबल एंट्री पास कर दी, तो इससे भी मेरे ट्रायल बैलेंस में डिटेक्शन थोड़ी आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरा डबल एंट्री पास करते हुए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। अब ट्रायल बैलेंस को क्या पता कि एक्चुअली फिगर 15,000 थी, है ना? गेटिंग द पॉइंट? सही है। तो इस तरह से आपके पास एरर्स का आता है सिनेरियो। अब मैंने आप लोगों के एलएमएस पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया पैक क्वेश्चन बैंक का, उसमें आप जरा देखें क्वेश्चन नंबर K8, ठीक है? आपके सामने एक किस्म का एक ट्रायल बैलेंस ही गिवन है। अगर आप देखें तो उसमें आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है डेबिट में, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है क्रेडिट में, और आना भी चाहिए, है ना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। प्लांट की कॉस्ट डेबिट साइड पे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कॉलम में, तो एक किस्म का आपको ट्रायल बैलेंस ही गिवन है। अब जब आप अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को मैच करते हो तो वो मैच नहीं होते। कितने से डिफरेंस है और कौन से कॉलम में शॉर्टफॉल है जरा ये बता दें। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल मैच नहीं कर रहा, कितने से एरर आ रहा है, कितने से डिफरेंस आ रहा है? डेबिट शॉर्ट है, कितने से? ठीक है। डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो फिर हम करते क्या है, हम करते क्या है? अब ये वाला सिनेरियो है। अब ट्रायल बैलेंस में बाकी सारी चीजों को यहाँ पे कॉपी नहीं करी, ठीक है? ये आपका सारा डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट आइटम्स है सारे। आप करते क्या हो, आपने पहले ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस बनाया और आपने टोटल जब चेक किया अपने कैलकुलेटर में तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, और आप ये देख रहे हो कि 15,000 का शॉर्टफॉल कौन से कॉलम में आ रहा है? डेबिट कॉलम में। आप ये कहते हो फॉर द टाइम बीइंग ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अगर मैं 15,000 रुपए डेबिट कॉलम में लिख दूं तो मेरा टोटल डेबिट का भी 361,500 आ जाएगा। है ना? अब सही है। आप ये कहते हो कि अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग डेबिट करके कहते शॉर्टफॉल कौन से कॉलम में है 15,000 का? डेबिट कॉलम में, है ना? डेबिट कॉलम कम है, क्रेडिट कॉलम ज्यादा है, तो आप ये कहते हो कि कम वाले कॉलम को ज्यादा वाले कॉलम से मैच करने के लिए अगर हम इधर 15,000 की एक फिगर लिखे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस 15,000 रुपए को हम कहेंगे क्या, क्या पर्टिकुलर होते हैं? इसको हम कहते हैं एक काम ये करते हैं, एक नया अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है, एक ये सस्पेंस है कि ये 15,000 का डिफरेंस आ क्यों रहा है, कौन सा ऐसा एरर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने बाकी ये तो सारे आइटम्स खोले हुए होंगे, तो चार तो आपके टी अकाउंट बने हुए होंगे, राइट? आपने एक और टी अकाउंट खोल देना है जिसका टाइटल होगा सस्पेंस अकाउंट। सही है जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, वैसे ये रिक्वायरमेंट बी है, सही है? ये रिक्वायरमेंट बी है सस्पेंस अकाउंट की, ये मैं आपको पहले ही यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कैसे बनता है।
आपने कहा हमने फर्दर टाइमिंग बना तो लिया, ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल तो आ गया, लेकिन हमने ऐसा सस्पेंस अकाउंट भी बनाया है जिसका डेबिट बैलेंस है 15,000। आपने देखा कि ये 15,000 का शॉर्टफॉल आपने लिखा कहां पे था, डेबिट कॉलम में। आपने इस 15,000 को लिख दिया डेबिट साइड। अगर ये 15,000 शॉर्टफॉल आता क्रेडिट साइड पे तो वो आप लिख देते क्रेडिट साइड पे, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के। अब यहाँ पे आप ब्रॉड डाउन लिखिए या आप लिखिए एज पर ट्रायल बैलेंस व्हाटसोएवर। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ये आपके अकाउंटिंग के करेक्शन के लिए बनाया जाता है। आपने ये क्या कि जी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा टोटल डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का जिससे वो आउट हो रहा है वो आ रहा है 15,000। हमने इसको करेक्ट करना है, खत्म करना है, ठीक है। अब देखिए आपका सस्पेंस अकाउंट का मकसद क्या है। अब जैसे आपने बना लिया ये, फिर आपने की इन्वेस्टिगेशन, आपने कहा कि देखे तो सही, आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड दोबारा से रखाए और आपने कहा जरा चेक कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और आपको सवाल में गिवन होगा कि एरर्स कौन कौन से आपने आइडेंटिफाई किया, आपको खुद निकालने की जरूरत है, हमको कैसे पता क्या एरर किया, राइट। क्वेश्चन में वो आपको गिवन होगा कि आपने सिर्फ ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस निकाला, आपने कहा 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपको एरर आपको बता दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करोगे और जब आप अपने सारे एरर्स का काम कर चुके होगे तो ये ब्रॉड डाउन खत्म हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट में कैरेट डाउन बचना चाहिए जीरो, पूरा का पूरा 15,000 रुपए आपके खत्म हो जाने चाहिए। डबल एंट्रीज पास करेंगे ना, 15,000 रुपए खत्म कैसे होंगे अगर आपने क्रेडिट साइड पे 15,000 से डबल एंट्रीज पास कर दी टोटल, तो मतलब हो जाएगा ना, यानी कि कैरेट डाउन आएगा जीरो। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है। अब जरा पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आ जाए। पार्ट ए मांग रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर्स। अब जब वो जर्नल एंट्रीज की बात करता है तो वो बात करता है डबल एंट्रीज की, ठीक है। वो मांग रहा है आपसे डबल एंट्रीज। एक काम ये करते हैं, इसका इसके एक दो आइटम्स मैं आपको करा देती हूँ, फिर मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, सही है। अब पहला एरर क्या है, अ क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद अ 3 मिलियन सेल्स इनवॉइस। अब आप रुक जाएंगे इधर, आपने पहले अब देखिए एरर के सवाल को ना आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए में रिक्वायर्ड क्या है, जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दी अबव एरर्स। आप करेंगे क्या, मेन पेज पे पार्ट ए करके आपने आ जाना है अपनी वर्किंग्स में। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप 3 स्टेप्स में कैसे करते हो। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ के ये डिटरमिन करना है कि इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। फिर आपने ये देखना है कि हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी। और स्टेप नंबर 3 पे आप ये डिटरमिन करेंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, और एंट्री से मुराद डबल एंट्री, ठीक है। और आपका बेसिकली क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है ना वो है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने बतानी है। अब ये पार्ट 1 और स्टेप 2 है ना, ये आपकी वर्किंग है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। अगर आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन पे भी आ सकते हो। नाम क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ दी अबव एरर्स। तो आपसे ये नहीं मांग रहा कि हमने क्या पास करना चाहिए था या क्या कर दिया, वो कह रहा है ठीक करने के लिए क्या करें, जो करना था वो तो कर लिया, गेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं पहले एरर पे। अब पहला एरर जरा थोड़ा समझते हैं कि पहले एरर में है हुआ क्या, ट्रांजैक्शन क्या थी। क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द 3 मिलियन सेल्स इनवॉइस, यानी कि ट्रांजैक्शन थी क्या, सेल्स इनवॉइस इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन थी क्रेडिट सेल की, और उस क्रेडिट सेल को आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया,
creditor's account has been debited, which had been correctly recorded in the sales account. तो सबसे पहले आपने सेल्स इनवॉइस होने की वजह से ये कहा कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, सेल्स इनवॉइस की बात को कर रहा है, यानी कि आपने कोई क्रेडिट सेल की थी जिसकी आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी क्रेडिटर्स के अकाउंट में, तो आनी नहीं चाहिए थी, है ना। अब आप ये देखोगे कि करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, क्रेडिट सेल्स की, अच्छा क्वेश्चन में रिसीवेबल्स के लिए डेटर्स का, बिल्कुल डेटर्स का टर्म इस्तेमाल हुआ है, हमने कहा रुपीज के साथ पूरा प्रॉपर आपने रिकॉर्ड करना है, 3 मिलियन से डेटर्स को होना चाहिए था डेबिट, सेल्स को होना चाहिए था क्रेडिट 3 मिलियन से। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट हैड बीन डेबिटेड विद अ 3 मिलियन सेल्स इनवॉइस which had been correctly recorded in the sales account. वो ये कह रहा है सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स का अकाउंट हमने करेक्टली रिकॉर्ड कर भी दिया, गलती सिर्फ क्या की, हमने डेटर्स को डेबिट करने के बजाय क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय 3 मिलियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसमें आपने उस कॉन्सेप्ट को भूल जाना है कि वो सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर, इसमें अगर क्रेडिटर्स अकाउंट कह रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है। अगर आप याद हो डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए जब हम कोई काम नहीं करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहती थी कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए, तो आप क्या करते थे, मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, है ना, उसमें क्योंकि हमने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं था, उसमें हमने ये चीज तो पढ़ी हुई थी कि मिस्टर ए का अलग अकाउंट बनेगा, बिल्कुल वही चीज आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट की हद तक था, वो सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर था, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमें टॉपिक वाइज अपने आप को ट्यूनिंग इस तरह से करनी है, हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक में हम कहेंगे क्योंकि हम सिंपल सिस्टम फॉलो करेंगे, कौन से टॉपिक में हम देखेंगे कि वो सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे आई होप कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट का मतलब है बिल्कुल इसमें जनरल लेजर पे ही फोकस करना है आपने, कोई सब्सिडरी लेजर इधर नहीं है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट का क्या मतलब है, यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट का मतलब है क्रेडिटर्स का जो फोकल अकाउंट है, इन अदर वर्ड्स, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह यू गेटिंग द पॉइंट राइट, सही है दी। अब आपने ये कहा, जल्दी से इसको क्लोज करते हैं, चले। अब आपने ये कहा कि हमें करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, हमने गलत एंट्री क्या पास कर दी, क्रेडिटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब आप बताएं मेन रिक्वायरमेंट पर आए, करेक्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे आप, एरर वन की आपने कहना है क्रेडिटर्स को हमने डेबिट कर दिया ऑलरेडी, हम इसको क्या कर देंगे ठीक करने के लिए, अब हम करेंगे क्रेडिटर्स को क्रेडिट, है ना, क्रेडिटर्स के अकाउंट में से जो 3 मिलियन डेबिट हुआ हुआ है उसको हम निकाल देते हैं भाई, और किस चीज को डेबिट कर देते हैं, जो चीज डेबिट होनी चाहिए थी पहले स्टेप पे और आपने नहीं की थी, चलो कोई बात नहीं अब हम इसको डेबिट कर देते हैं, यहां तक क्लियर है बात। तो आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास की, डेटर्स डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। अब अगर आप नोट करें इसमें बेचारे सस्पेंस अकाउंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए थी, सस्पेंस अकाउंट कैसे इन्वॉल्व होगा ये इंशाल्लाह हम देखेंगे कल, जो ऑलरेडी एरर्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं वो इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो ना करें, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और भी सवाल देखेंगे, एरर्स पे हमने सिर्फ 2 और 2 लगाने, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे अपना फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स पे 3-4 दिन और फिर पार्टनरशिप्स, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है कि हम होपफुली इंशाल्लाह 31st January, अगर नहीं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम 31st January को ही कंप्लीट करें, सारा संडे को भी क्लासेस में रखूंगी संडे को, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मैक्सिमम
सेकेंड या थर्ड फेब्रुअरी तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर मुझे पार्टनरशिप में आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ी, नहीं हाँ एरर सिर्फ 5 है इसमें, ठीक है एरर सिर्फ 5 है, लेकिन आप माफ मत कीजिएगा आपसे होगा नहीं, ठीक है। इसमें सस्पेंस काम कैसे इन्वॉल्व होगा वो मुझे बताना, सही है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी। फिगर्स मिसिंग है, चले मैं क्लास की बात करती हूँ, ठीक है जी, चले ओके, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। और आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी आपका सिंबल्स और डेप्रिसिएशन का टेस्ट भी, मुझे कल जहां ने याद कराया था लेकिन आई फॉरगॉट, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे मोहसिन से बात आप लोगों से दोबारा रिमाइंडर डाल देना, ठीक है, कि मुझे टेस्ट अपलोड करना है डेप्रिसिएशन का और अप्रूवल्स का। चले ठीक है, ओके, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।